उमेश हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके की स्थिति है इस वक्त, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति है और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। प्रवीण कुमार जी से भी बात हुई, आईजी मेरठ है प्रवीण कुमार जी, और उनका कहना था कि लोकल लोगों से सहयोग लेकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी हिंसा जैसी कोई भी चीज ना हो। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सीए को लेकर दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हो जो दिल्ली के इलाके से एकदम सटे हैं, पास में है, यही वजह है कि वहां पे जो भीड़ थी, जो उपद्रवी थे, वो यूपी की सीमा में भी आने का प्रयास कर रहे थे। देर रात तमाम जो गाजियाबाद के एसएसपी है कलानी नेथानी के नेतृत्व में तमाम जो उपद्रवी है उनको खदेड़ा गया। साथ ही साथ लगातार मेरठ जोन के प्रक्षेत्र में तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे दिल्ली से नजदीक होने की वजह से कि कहीं उपद्रवी उस क्षेत्र में ना जाए, यूपी के जिले में ना जाए। इसको लेकर जो मेरठ के आईजी जोन है प्रवीण कुमार, वो भी लगातार गाजियाबाद में और पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं, वहां पे कैंप कर रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी की तरफ से कि जो बॉर्डर के एरिए हैं जहाँ पे अनहोनी की आशंका है या इस तरह के उपद्रवी हो सकते हैं जो किसी बवाल को कर सकते हैं, उनके लिए जगह जगह पे लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो घूम रही हैं, मूवमेंट बना कर रखी हैं, और वहां पे जो दिल्ली के उपद्रवी हैं उनको कई जगह से उनको खदेड़ा गया, उनको सीमा में यूपी से नहीं भेज दिया गया। वैसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की और जो मेरठ प्रक्षेत्र की पुलिस है उसमें तत्परता दिखी है, यही वजह उपद्रवी थे दिल्ली के, वो उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं जा पाए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया उमेश आपका।